नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों, दिल्ली के MCD स्कूलों में नर्सरी टीचर की भर्तियाँ आई हुई हैं। अगर आप पार्ट टाइम में इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गेस्ट टीचर की ये भर्ती है और आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसका पहले हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 1 जनवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो आज 1 जनवरी है, आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। बहुत से क्वेश्चन इसमें आप लोगों द्वारा पूछे गए थे कि क्या है इसमें, ये मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी क्या, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, अब सारे क्वेश्चन हम इसमें आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के नगर निगम स्कूलों में भर्तियाँ होंगी। गेस्ट टीचर की भर्तियाँ हैं पार्ट टाइम के लिए, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर बोला गया है ये कम से कम 2 साल का नर्सरी टीचर में आपके पास कोई डिग्री हो या डिप्लोमा हो या फिर बीएड भी हो नर्सरी टीचर से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एज जो है जनरल के लिए अधिकतम 30 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 35 वर्ष है, ओबीसी के लिए 33 वर्ष है, अदर्स के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, इनकम की बात करें तो यहाँ पर ये नहीं बताया कितनी इनकम मिलेगी, वो आपका इंटरव्यू के टाइम या फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम बताया जाएगा। मंथली आपको यहाँ पर एक अच्छी सैलरी मिलेगी, ये कंफर्म है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, 331 पदों पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। जनरल के लिए 167 पद हैं, एससी के लिए 50 पद हैं, एसटी के लिए 25 पद हैं और ओबीसी के लिए 89 पद हैं। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरुआत है इनकी, 15 जनवरी तक इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। फीस की बात करें तो फीस कुछ भी नहीं देना है, शून्य फीस है सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, आवेदन कैसे करना है तो अभी आपको बता दें कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन यहीं से होंगे, ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, और रही बात यहाँ पर कुछ रिटर्न एग्जाम वगैरह की, तो कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा, सिर्फ आपका छोटा सा मॉक इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ठीक है उनसे मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के हिसाब से आप लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना कितना परसेंटेज होगा आपके मेरिट का, तो यहाँ पर दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम का 25% लिया जाएगा, उसके बाद सॉरी सेकेंडरी एग्ज़ाम का 25% है, सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम का 45% है और टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा का 30% है। इस तरीके से ये यहाँ पे कैलकुलेशन होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपका चयन हो जाएगा, कोई भी फीस आपको नहीं देना है। अब दोस्तों आपको बताते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी वेबसाइट है। तो वेबसाइट में जाने के लिए आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा mcdonline.gov.in। देख लीजिए कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ में वैकेंसी आई है, उत्तरी में। ठीक है, सबसे पहले वाले लिंक को आपको क्लिक कर देना, नीचे दिया गया क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होने के बाद आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये पॉपअप खुलेगा सामने, इस पॉपअप को आपको नीचे क्लोज लिखा है, इसको क्लोज कर देना है। अब ये पूरी नॉर्थ की जो DMC है उसकी वेबसाइट नीचे आ जाना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा jobs@ndmc, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक को क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन सी वैकेंसियाँ यहाँ पर चल रही हैं, तो सबसे ऊपर ही दिखा रहा है एजुकेशन की वैकेंसी नर्सरी टीचर की। ठीक है, यहाँ पर 331 पद दिखा रहा है और यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आना है व्यू जॉब प्रोफाइल, तो ये इस पर क्लिक कर देंगे तो जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा था वही आपके सामने ओपन हो जाएगा। बगल में अप्लाई बटन है, यहाँ से क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।